खबर राजगढ़ से है, जहां धारदार हथियार से हमला कर गला रेतने और जान से मारने की कोशिश करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामला राजगढ़ जिले के बोड़ा थाना अंतर्गत ग्राम चुमली का है, जहां गांव के ही विजेंद्र सिंह पिता मांगीलाल ने अपने ही गाँव के जितेंद्र सिंह पर धारदार हथियार से गला रेत कर जान से मारने का प्रयास किया था और मौके से फरार हो गया था, जिससे घायल जितेंद्र की हालत बिगड़ने लगी। वहीं परिजनों ने बोड़ा पुलिस को सूचना दी और घायल को शुजालपुर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर घायल जितेंद्र की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल घायल का इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहाँ पे राम मंदिर है, उसमें कथा चल रही थी, सब कथा में बैठे थे। एक जितेंद्र राजपूत है वो बैठा था, पीछे भजन भी बैठे थे, सब लोग बैठे थे, वहाँ काफी भीड़ थी। तो इसी दौरान जितेंद्र के गले से अपने गले में रुमाल डाल दिया, रुमाल लेके भजन ने खींच लिया, वैसे पसीना सीना फंस गया, तो सब लोग अपना रुमाल रखा कर।